रेस्टोरेंट में जाइए, लाइनअप वेटिंग चलती है, बहुत रश होंगे, बहुत शोर शराबा होंगे, एक फाइन डाइन वाला एक्सपीरियंस बहुत टाइम तो मैं मिस कर रहा था। मैं आया हाँ एक फाइन डाइन एक्सपीरियंस द मजा लैंड, रेस्टोरेंट का नाम है द अड्डा फाइन इंडियन क्यूजीन, स्टील्स या टॉर ब्रैम ब्रैमली दे बिल्कुल सेंटर जेम है द अड्डा फाइन इंडियन क्यूजीन। आज चेक कर देना था खाना भी इन्हें इनसाइड किचन भी। तो मैनू तो पता ही नहीं सी कि मलिनी ड्राइव ते इन्ना वधिया रेस्टोरेंट भी है जिदा इन्ना सोहना वाइब है। सो रेस्टोरेंट इन्ना खुला डुला बनाया, इन्नी ज़्यादा स्पेस है, परफेक्ट फॉर लाइव परफॉर्मेंसेस, सिंगिंग, कॉमेडी शोज़ या पर्सनल फंक्शन, एनिवर्सरी या बर्थडे या कुछ भी इदा दा। इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो गुड, इन्ना सोहना सजाया हो, इन्ना सोहना बनाया हो, पर्सनलाइज बार भी है, एंड सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी फूड क्वालिटी, वो बारे भी दस। सब तो पहले तो एरिया चेक कराने, एंट्रेंस इन्नी आलिशान, इन्नी सोहनी बनाई हुई है, डीजे, लाइट्स, लाइव परफॉर्मेंस सब कुछ कर सकते हैं। आप इतने आज चेक कर दें, सो ये इन्हों का मेन पार्टी हॉल जिथे लाइव परफॉर्मेंसेस, कोई प्राइवेट गैदरिंग्स, कोई सेरेमनी तुसी कर सकते हो। लुक एट द एंबियंस ऑफ द प्लेस, इट्स अमेजिंग। सो किचन च जाने का मौका मिलिया, सैलमन फिश, तंदूरी सैलमन फिश, काजू की एक सब्जी, पनीर टिक्का, बहुत सही चीज़ा बना रहे थे। एंड इन्हों के डेडिकेटेड कस्टमरस है जोड़े सिर्फ इन्हों के रेस्टोरेंट ही आते हैं, तो इन्ना क ज़्यादा स्वाद एंड एंबियंस इन्ना शांति वाला से ना, कोई चीख चिलाहट नहीं सी, बड़े ही सोहने सोफिस्टिकेटेड एनवायरमेंट रेस्टोरेंट है, एंबियंस इज अमेजिंग, फूड इज सुपर अमेजिंग। सो फूड बारे गल करते हैं, असी ले इन्हें तंदूरी चांप, बिल्कुल सही, ना ज़्यादा क्रीम पाई ना कुछ, हर तरह का खाना मिल रहा है। इन्नी बिजी किचन सी इन्हों की उस रात को, वीकेंड से ऑर्डरस से ऑर्डरस आए जा रहे हैं। फिश एक कुछ स्पैशल डिशिज भी ने, वो भी मैं दसूँगा इस वीडियो में। ये असी इन्हों गार्लिक नान देखे, बहुत कुछ बना रहे थे, ये उन्होंने सानू बना के दिखाया चीज़ वाला आलू नान, जड़ा के चीज़ आलू नान कहते थे, इन्ना क स्वाद नान सेगा। ये इन्होंने चिकन चॉप जो कि हॉट फेवरेट आइटम ने, ऑलमोस्ट हर टेबल ने जो नॉनवेज खाते थे चिकन चॉप तो मंगवाई। एक ऐसी एक आइटम है इन्होंने रेस्टोरेंट में, इन्नी ज़्यादा रनिंग है किचन में, टेक आउट डाइन इन, जिहड़ा बंदा आ रहा उन्होंने चिकन चॉप चाहिए। सो ये चिकन चॉप ने ते थाई दे पीसिस ने, मलाई फ्लेवर है, स्पाइसी नहीं होंगे, तो मैं एक लेके आया क्योंकि खाते नहीं ज़्यादा नॉनवेज, बट मैं एक पीस जरूर टेस्ट कराँगा क्योंकि बहुत रनिंग आइटम सी, तो मैंने सीखा कि चेक करिए कि है कि। सो आ नॉन वेज लवर्स लिए एक अच्छी चीज़ लग रही है मैनू, सो एक पीस मंगवाया सिर्फ टेस्ट करने लिए, तो देखते हैं किहो जिहा टेस्ट होगा, पर नॉन वेज लवर्स लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर कितना सोहना देखो, मंगवाया अपने लिए पनीर टिक्का, ट्रस्ट मी बहुत सारे पनीर टिक्का खाते ने, एहोजा फ्लेवर्स, बहुत डिफरेंट फ्लेवर सेगा, इन्हें मैरीनेशन बहुत स्ट्रोंग सी एंड खाना बहुत टेस्टी सेगा। ए सीगा सैलमन फिश का ऑर्डर पैक हो रहा है, तंदूरी सैलमन, ए सीगी काजू की एक सब्जी जिड़ी कि इन्नी क ज़्यादा स्वाद सी, मैं तुम दस नहीं सकता, असी रोटी ने इनू खाधा, इन्नी मिठी मिठी सब्जी सी ना, इन्नी क्रीमी, इन्नी मिठी, तो इन्नी ज़्यादा फ्लेवरफुल सी ना, अंदर बार है, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक सब कुछ मिलेगा। असी मंगाए तंदूरी मोमोस जिहड़े नॉर्मल रेड ग्रेवी वाले हुंदे आ, बिल्कुल सही, ना ज़्यादा क्रीम नाल भरे हुए, असी देखते हैं क्रीम नाल पूरा डुबा देंदे ने मोमोज़ नूं, सिर्फ क्रीमी क्रीम मूँह च आउंदी है, मोमोज़ दा एक्चुअली फ्लेवर नहीं आता। सो सब तो पहली चीज़ मंगाई है अड्डा रेस्टोरेंट की, आपां चांप तंदूरी सोया चांप, स्पाइसी जे होणगे तंदूरी चांप, मलाई नहीं हैगी, ज़्यादा क्रीम नहीं पाई, सो चेक कर दिया। सो मलाई चांप ते तंदूरी चांप दोनों मैं अपने किचन च बनते हुए देखे, असी किते तंदूरी चांप, बड़े स्वाद से, बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट, रियल टेस्ट, बड़े वधिया स्वाद सीगे। आ है इन्हां दा चिकन चॉप, बहुत फेवरेट, सब का फेवरेट, ए सीगा पनीर टिक्का, साडा हर जगह पनीर टिक्का पेट डिश हुंदी आ, सो वह जरूर खाधा, इट वॉज बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब इन्ना ज़्यादा पनीर टिक्का, वड्डे वड्डे पीसिस, इन्ना ज़्यादा फ्लेवर सी मैरीनेशन में, अगेन मैरीनेशन इज सुपर स्ट्रोंग, बहुत वधिया मैरीनेशन है इस रेस्टोरेंट की। यह सीगा साडा खाना, काजू की एक सब्जी सी, अड्डा रेस्टोरेंट से
जे तुहाडा कोई प्राइवेट इवेंट है जिवें मैरिजिस दे प्री मैरिजिस फंक्शन या पोस्ट मैरिजिस सेरेमनीज होंदियां ने रिंग सेरेमनी या शगन सेरेमनी दे हैव दिस स्पेशल एरिया लोकेटेड टू पर्सनलाइज पार्टीज सो यू कैन जस्ट कम बाय बुक दिस होल वेन्यू फॉर योर स्पेशल ओकेजन्स एंड दे हैव अ लाइव फूड एंड ड्रिंक काउंटर लाइव फूड इज इन द किचन यू विल गेट गुड क्वालिटी फूड एंड सच अ like the quiet area and personalized space for your functions plus they have a corporate facility if you want to having a corporate party or something that room is located to their corporate meetings or something like that with the good food for sure so a head chef gun ne sade layi hara bhara kebab banaya cheeza di na jehdi quality hai oh ek next level te nazar aa rahi hai jive main andar dekh reha ban diya cheeza nu and jo sitting and dining hai वो भी एक अलग लेवल था बिकॉज बहुत अलग जा एक लाइक एक लाइव रेस्टोरेंट जिते एक अलग जी एंबियंस है लाइट्स चल रही ने एक फाइन डाइन का एक्सपीरियंस हो रहा है कोई चिकचिहाट नहीं बड़ी काम जे बड़े सोफिस्टिकेटेड एनवायरमेंट है सो इन्हें दो चीज़ा आई ने हर चीज़ डिफरेंट है पनीर बिल्कुल डिफरेंट सगा चाप दी विच कोई एक्स्ट्रा क्रीम नहीं सी सो असी इन्हें मंगवाया है चीज़ वाला आलू नान चीज़ आलू कुलचा या चीज़ आलू नान जिसे चीज़ की स्टफिंग है पहले मैं तुम्हें स्टफिंग दिखाना आ देखो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कितना कुछ पाया गर्मा गर्म नान है तो अंदर चीज़ की एड्डी मोटी बॉल पाई है जी तो यदि मेकिंग भी आएगी तो चीज़ वाला कुलचा आ देखो तो चीज़ वाला आलू कुलचा या आलू नान ते नाल इन्हां दी है काजू दी सब्जी ते देखो किन्नी सोहनी प्रेजेंट मैं आज तक इन्नी सोहनी प्रेजेंटेशन कभी नहीं देखी इन्नी सोहनी लग रही ना देखो चेक कर दें जस्ट लुक एट द टेक्सचर्स बहुत सोहनी प्रेजेंटेशन करके दिती है एंड सब्जी बहुत सही लग रही है सो मैनू भुख लगी है सो लैट्स जस्ट टेस्ट इट आपां एक कुलचा ले लिया तो सब्जी एक स्पून लेने बहुत रिच होगी बट द वे दे प्रेजेंटेड इट इट्स अमेजिंग एंड इन्हें हर चीज़ अलग ही टेस्टी है सो एक बार ट्राई करना जरूर बनता है रेस्टोरेंट अड्डा एट मलीन ड्राइव सो कुलचा एंड सब्जी आ जाओ चेक कर लो दिस इज सो अमेजिंग एक मिठा वाला फ्लेवर है जोड़े स्पाइसी लवर ने शायद थोड़ी अच्छी ना लगे पर जोड़े मेरे वर्गे ने माइल्ड स्पाइसी खाने वाले बहुत सोहना टेस्ट है आ जाओ सो काजू दी अंदर भी पाए हुए ने उत्ते भी पाए हुए ने जी सब्जी है ना इदी ग्रेवी च बहुत जान है बहुत स्वाद है ना